लाहौर के कैंटोनमेंट एरिया में अजीज भट्टी रोड पर वाक़ फोर्ट्रेस स्टेडियम एक अजीम शान खेलों का मैदान है, जिसमें तफरीही और तिजारती सरगर्मियों के लिए काफ़ी बैरूनी जगह मौजूद है, जबकि स्टेडियम अब शाज़ो नाज़र ही इस्तेमाल होता है। यह अब भी शहर का एक मसरूफ तिजारती मरकज़ है, जो सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। फोर्ट्रेस स्टेडियम को रंगारंग रोशनियों से सजाया जाता था। तब ये स्टेडियम एक खुला मैदान था, जहां पर हर साल मेला लगा करता था। इस मेले में खाने पीने और कपड़ों के स्टॉल्स लगाए जाते थे और पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी शोज भी किए जाते थे। स्टेडियम में घुड़दौड़, नेजाबाजी, मोटरसाइकिल रेस और काफ़ी खेल खेले जाते थे, जिसमें पूरे शहर के लोग शिरकत भी करते थे। यहाँ पर हर जुमा और इतवार को बाजार सजाया जाने लगा, जिसमें ज़रूरत की हर चीज़ के स्टॉल्स लगे होते थे। जबकि जदीद स्टेडियम के बाहर खुले अहाते में कैफ़े, दुकानें और रेस्तरान हैं, जो इसे तजारती और तफरीही मरकज़ बनाता है। अब यहाँ हर जगह दुकानें हैं जो सस्ती मलबूसात फरोख्त करती हैं। स्टेडियम में हर तरह की ब्रांडेड और लोकल शॉप्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ कई फूड कोर्ट और ओपन एयर रेस्टोरेंट हैं, जो पाकिस्तानी और चीनी खाने पेश करते हैं। फोर्ट्रेस केयर मॉल लाहौर के बेहतरीन शॉपिंग मॉल्स में से एक है। 5 मंजिलों पर फैला हुआ ये मॉल, जिसमें आला दर्जे के ब्रांडेड आउटलेट्स के साथ एक कुशादा फूड कोर्ट है, जो मुख्तलिफ किस्म के खाने पेश करता है। ये मॉल सुपर स्पेस का घर है, जो एक इंडोर तफरीही पार्क है, जिसमें खेलों, सवारियों और सरगर्मियों की एक वसी रेंज है। फोर्ट्रेस मॉल कारफोर सुपरमार्केट का घर भी है, ताकि आप अपनी तमाम ग्रोसरी और ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी कर सकें। फोर्ट्रेस स्टेडियम में अट्रैक्शन की एक और वजह सिंबाद वंडरलैंड है, जिसमें क्लासिक के साथ साथ कई आर्केड गेम्स और बच्चों की सवारियां भी शामिल हैं। सिंबाद वंडरलैंड की गेम्स में स्पिन जोन कारें, वेंचरर, 3D सिमुलेटर और जंपिंग जेट शामिल हैं, जिससे ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी मुख्तलिफ गेम्स खेलकर लुत्फानंदोज हो सकते हैं।
रोजाना 3 बजे से रात 11 बजे के दरमियान खुला रहता है। स्टेडियम में जॉयलैंड एक तफरीही पार्क है जिसमें हर उम्र के लिए तफरीही और दिलचस्प झूले हैं। अगरचे ज़्यादातर झूले बच्चों के लिए हैं, लेकिन कुछ खास तौर पर नौजवानों के लिए हैं, जिसमें डिस्कवरी, ड्रॉप टावर, टगादा जैसे झूले शामिल हैं। आप यहां से 800 में रिस्ट बैंड खरीद कर लामहदूद झूलों तक रसाई हासिल कर सकते हैं और ये तफरीही पार्क शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खुला रहता है। स्टेडियम को कौमी घोड़ों और मवेशियों के शो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सकाफती तकरीबात, मेलों और मुकामी खेलों के मुकाबलों की मेज़बानी के साथ साथ लाहौर का एक मकबूल त्यौहार है। नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो में मवेशियों के साथ साथ घुड़सवारी, दौड़, लोक रक्स और बहुत कुछ शानदार नुमाइशें होती हैं।